रघुवंश प्रसाद सिंह की वोट यात्रा पहुंच चुकी है कांटी विधानसभा क्षेत्र के रातल मैदान में। आप इस मैदान में कल लालू प्रसाद यादव रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए वोट मांगने आने वाले हैं और उसकी तैयारी चल रही है। यहां पर लालू प्रसाद यादव की रैली होने वाली है, मंच का निर्माण हो रहा है और रघुवंश प्रसाद सिंह देखने आए हैं कि क्या तैयारी है, क्या कुछ इंतजाम चल रहा है। कल लालू प्रसाद यादव रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए इसी मंच से सभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। कल एक रैली होने वाली है लालू प्रसाद यादव की और उसी का निरीक्षण करने के लिए रघुवंश बाबू इस समय रातल मैदान में हैं। रघुवंश बाबू, आप मिल रहे हैं लोगों से, क्या रिस्पांस है लोगों का? अरे बाबू, लालू प्रसाद का कार्यक्रम हो गया ना चुनाव में, तो उसी के लिए तैयारी चल रही है। मंच बन रहा है, सजावट हो रही है, गांव गांव में लिखा पढ़ी हो गई, लिख पाती रुदल भेजे, सब जगह खबर हो रही है कि आ रहे हैं बाबू लालू प्रसाद, जुटो और एकजुट होकर के सांप्रदायिक ताकतों को चकनाचूर करो और दिल्ली तख्त पर किसी हालत में सांप्रदायिक ताकत को नहीं, सेकुलर फ्रंट की सरकार बने। ये वैशाली में आप किसको अपना सबसे दावेदार उम्मीदवार मांग रहे हैं, कौन है आपके कॉन्टेस्ट में? हमारे कॉन्टेस्ट में कोई नहीं है, 2-3-4 की लड़ाई है, एक नंबर से किसी की कोई लड़ाई नहीं। आपको आप अपने जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त? जीत के एक पटकन लड़े हैं, इससे कठिन लड़ाइयों को यहाँ की जनता लड़ चुकी है और इन सब तरह के तत्वों को धूल चटा चुकी है। क्षेत्र की ये एक बार नहीं, 5 पटकन लड़ाई हुई है, ये छठी की तैयारी है। क्षेत्र की जनता कह रही है कि बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत सुविधाएं और निचले स्तर पर भ्रष्टाचार, यही उनका मुद्दा है और इसी मुद्दे पर वोट करेंगे। आप क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार इन सब चीजों में फेल है? सब चीज में चौपट कर दिया, शिक्षा को चौपट कर दिया, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया, करप्शन घुसखोरी का बोलबाला हो गया, गरीब लोग तबाह है, अनाज गायब कर दिया, ये बूढ़ा बूढ़ी पेंशन नहीं मिल रहा है, गरीब लोग त्रस्त हैं, त्राहि त्राहि कर रहे हैं, किसान अलग त्रस्त है, बेरोजगार लोग, नौजवान लोग अलग त्रस्त हैं। इसलिए केवल घोषणा 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 के अलावे नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। अब दूसरा घोषणा वाला एगो आ गया, नरेंद्र मोदी है, जल्दी से बल हमको प्रधानमंत्री बनाई है। सब लोग, देश का लोग घबरा रहा है, ये कहाँ से आ गया, तो उसकी लहर है, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, उस लहर में बहुत सारे लहर यहाँ नहीं है। यहाँ तो हाल में वो बीजेपी वाले सब दिन जीत जाते थे या कहते हैं लहरा, इसमें हार गए, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के और टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी के MLC के चुनाव में दोनों पहले से जीतते थे, सब हार गए। नीतीश कुमार का कुछ कम हुआ है इसमें, इस चुनाव में दिख रहा है? कम है नहीं, उनका सफाया है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है और इनका भी, दोनों मिलकर ना हमसे जीत गए थे, हम बढ़वे किए हैं, वो दोनों दो जगह हो गए, इसलिए खत्म है सब। चलिए, रघुवंश बाबू का दावा है कि ये खत्म मामला है, अब नीतीश कुमार की सीन में नहीं है और इस बार लालू प्रसाद यादव मजबूती से उभर कर सामने आने वाले हैं। और जैसा कि रघुवंश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि इस बार फिर UPA की सरकार केंद्र में बनने वाली है, अब देखना होगा कि इस वोट यात्रा के दौरान रघुवंश बाबू को जनता का कितना समर्थन मिलता है और वो संसद तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। लालू की रैली को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह आगे बढ़ गए। वोट यात्रा के दौरान वो लगातार लोगों से मिलते रहे। वहीं वैशाली की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं, इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है, लेकिन एक क्षेत्र हमेशा से ही उपेक्षा का शिकार रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह इसके बाद वैशाली के कई इलाकों में गए, कुछ और लोगों से मिले। रघुवंश प्रसाद के साथ न्यूज एक्सप्रेस की वोट यात्रा खत्म हो गई, इस उम्मीद के साथ कि जो अपेक्षा वैशाली ने पिछले कई दशकों में झेली है वो अब दोबारा ना हो, जनता बदलाव के लिए वोट करे और वो बदलाव वैशाली में दिखाई भी दे।